सर हम जमा कर दिए। चलो अच्छी बात है। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोस इन 1000 स्क्वायर, 1000 के स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे? याद करो इसका छोटा सा प्रॉपर्टी होता था स्क्वायर का। वेरी गुड, प्रॉपर्टी क्या होती थी? जितने भी जीरोस हमको बेस में दिख रहे हैं स्क्वायर में उसके डबल जीरोस दिखते हैं। तो अगर अभी नंबर में 3 जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में 6 जीरोस दिखेंगे डबल। चलो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ 2893 का स्क्वायर। वेरी गुड, अगेन जिन लोगों से गलती हुई है, छोटा सा टेक्निक क्या होता था कि हम बाकी को नहीं देखते थे, हम देखते थे 3 का स्क्वायर किस पे एंड करता है। 3 का स्क्वायर 9 पे एंड करता है, तो पूरा नंबर का स्क्वायर भी 9 पे ही एंड करेगा। बहुत अच्छी बात है, मेजोरिटी आर डूइंग गुड, 80% लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो ऋषभ, पूर्णिमा, पायल, अभी, पीयूष, वेरी क्लोज यार, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग बहुत नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एन इज 9, स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे 9 आया है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? कल भी ये क्वेश्चन था गाइस, जल्दी जल्दी में गलत मत करना। गुड, सो वेरी गुड यार, देखो 27 में से 24 लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं अने एक और करेंगे 5 क्वेश्चन वाला इसके बाद, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द नंबर 182 इज, गाइस आप इसको बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो, टेक द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट। Take the help of unit digit guys, unit digit. Okay, अब मैं बताता हूँ जल्दी कैसे कर सकते थे। देखिए 182 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 182 किस पे एंड कर रहा है, 2 पे एंड कर रहा है। अगर ये 2 पे एंड कर रहा है तो 2 का स्क्वायर किस पे एंड करेगा, 4 पे एंड करेगा। देखो तो कौन सा नंबर था जो 4 पे एंड कर रहा है, सिर्फ एक ही नंबर था जो 4 पे एंड कर रहा है, ठीक है। सो देख सकते हो बहुत क्लोज है, कोई भी टॉप 5 में गलत करता है तो नीचे आ जाएगा, इतना क्लोज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of 7 square plus 9 square.
हाँ मनीष बताओ क्या हुआ सर, मेरा चार क्वेश्चन सही हुआ और सर फिर मेरा कहूत लीव हो गया है सर, इसलिए आपको चैट में एक आंसर दिए थे सर। हाँ ये तो चलो ठीक है, ये थोड़ा इंटरनेट का इशू आपका होता है अमृत, बट यस सर डीमोटिवेट मत हो इसको लेकर, ठीक है सर। ये वाला आंसर सही था मेरा चैट वाला? हाँ सही था। ओके सर। ओके तो यहाँ पे भी तो फाइनली देखते हैं पोडियम पे, थर्ड पोजीशन पे 5 out of 5 सही आर्यन, सेकंड पोजीशन पे भी 5 out of 5 सही ऋषभ, और फर्स्ट पोजीशन पे पूर्णिमा 5 out of 5 करेक्ट, फोर्थ पे पायल, फिफ्थ पे अभी। एक और कौत हो जाए ना, एक और कौत हो जाए जल्दी से, राइट जस्ट गिव मी 30 seconds का टाइम दीजिए। सो गाइज पीछे आ जाइए और आप दोबारा kahoot.it खोलिए, मतलब ठीक है kahoot.it खोलिए, नया गेम पिन। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, बहुत क्लोज कंपटीशन था ना। ओके सो अब गेम पिन आ जाएगा स्क्रीन पे, गेम पिन देखिएगा, एंटर कीजिएगा। सबको आ गए थे, बहुत अच्छी बात है, शुरू कर रहे हैं। विच नंबर अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196? 196 का स्क्वायर रूट, गुड। आय हाय हाय हाय, जय माता दी, किए कुछ लोग, मतलब कुछ महान लोग हैं जिन्होंने 17 मार्क किया। बेटा 17 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, जबकि 196 इवन था, तो 17 तो जिन लोगों ने मार्क किया वो तो बड़े महान व्यक्ति है, चरण स्पर्श करने चाहिए उनके। आते हैं 16 वाले पे, 16 का स्क्वायर होता है 256, इतना तो याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। एकदम पहली क्लास में मैंने आपको 1 से लेके 20 30 तक के स्क्वायर्स बताए हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने अपना पहला, सबसे पहला क्लास जो किया था, सबसे पहला क्लास में तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर के ट्रिक्स बताए हुए हैं। चलिए तो हम देख सकते हैं कि
ऋषभ अनैश 900 के ऊपर है, शुभम आदित्य निशांत वेरी क्लोज टू 900, किसका स्क्वायर है? जय माता दी नहीं करना है, वेरी गुड उज्ज्वल, अगर आप अभी आए हो जल्दी से इस गेम पिन को देखो 5040941, अगर आप अभी ज्वाइन किए हो तो हैंड रेस करके कोई फायदा है नहीं, 5040941 में चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, वो गेम पिन डालकर एंटर करो। सो ऋषभ अनय पायल शुभम वेरी क्लोज, आदित्य भी क्लोज है। गाइज ये भी 5 क्वेश्चंस का है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 का स्क्वायर क्या होगा? ऑप्शन देखो, बहुत इजीली पता कर सकते हो। So, अब इसको कैसे जल्दी कर सकते थे, सबसे पहले लॉजिक सुनो 150 था, 150 के एंड में कितने जीरो है? एक, तो दो जीरो आना चाहिए था। दो जीरो आने वाले ऑप्शंस कौन से थे? ये वाला ऑप्शन था एंड ये वाला ऑप्शन था। अब साथ ही साथ ये 5 पे एंड हो रहा है, जीरो को भूल जाओगे तो 15, जीरो को भूल जाओगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, स्टार्टिंग में 225 होना चाहिए, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके आदित्य ने अच्छा क्लाइम किया है। नेक्स्ट 49 उसके बाद 4 जीरो किसका स्क्वायर है? 49 उसके बाद 4 जीरो किसका स्क्वायर होगा? वेरी गुड, स्टिल जिन लोगों से गलती हो रही है, देखिए स्टूडेंट्स क्या टारगेट कैसे होना चाहिए इसको जल्दी सॉल्व करने का। तो इसके लास्ट में कितने जीरोस हैं अभी? इसके लास्ट में 4 जीरोस हैं। अगर 4 जीरोस हैं स्क्वायर में तो ओरिजिनल नंबर में कितने जीरोस होंगे? ओरिजिनल नंबर में इसका हाफ होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी है 49। 49 किसका स्क्वायर से आता है? 49 आता है 700 के स्क्वायर से, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 700 है। कुछ लोगों ने 7000 मार्क किया है, 5 लोगों ने 7000 मार्क किया, लेकिन बेटा 7000 में 3 जीरोज है, स्क्वायर करोगे तो उसमें 6 जीरोज आ जाएंगे ना, लेकिन इधर 49 के बाद 4 जीरोज लगे हुए थे, इसलिए 7000 आंसर नहीं हो सकता। तो नैतिक आ गया अब टॉप पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर?
गुड सिद्धि, वेरी गुड। ओके, अब लॉजिक देखिए इसका। जिन लोगों को नहीं सॉल्व कर पाए, क्लियरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इतना पता है कि कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 पे एंड करता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसमें से क्योंकि ये 2 पे एंड कर रहा था इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखते हैं पोडियम पे कौन है। थर्ड पोजीशन पे 5 out of 5 सही किया नैतिक ने, वेरी गुड नैतिक। सेकंड पोजीशन पे बहुत क्लोज पायल, 5 out of 5 करेक्ट। एंड फर्स्ट पोजीशन पे 5 out of 5 करेक्ट ऋषभ। सबके पॉइंट्स देखो कितने क्लोज थे ये लोग। फोर्थ पे आदित्य, फिफ्थ पे सिद्धि। वाह, बहुत सारे लोग चैट में मैसेज कर रहे सर एक और कहो हैं। फाइव क्वेश्चंस का एक और कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, फाइव क्वेश्चंस का एक और कर लेते हैं। इतने लोगों ने होमवर्क किया है लास्ट 2 दिन से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके इतने सारे कोड बनाए हुए हैं। चलो दिस विल बी द लास्ट वन, ओके, दिस विल बी द लास्ट वन। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो तो इसके सारे कहूत करेंगे, बहुत अच्छे से फिर पकड़ आ जाएगी। बट कंडीशन यही होगा कि अच्छे से पहले आपका होमवर्क होना चाहिए, क्लास में रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, फिर मुझे कहूत कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हरी अप एवरीवन, न्यू गेम पिन 55544468। बहुत अच्छे स्पीड में ज्वाइन किए हो। आई थिंक एक या दो स्टूडेंट्स बच रहे, जल्दी ज्वाइन कर लो। कोई एक या दो बच गया है, ज्वाइन क्विकली। दिव्यम आपका नाम नहीं दिख रहा है। First question, total non-square numbers between 2 square and 3 square. Yaad karo direct shortcut bataya hua hai iska.
आधे लोगों ने गलत आंसर किया है। इसका टेक्निक क्या था, एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्पेस कितना, 2n, दैट इज 2n। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो वो आपको 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं आपसे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आपको इनमें से छोटा वाला वैल्यू पिक करना होता है। छोटा वाला वैल्यू इधर 2 है, उस 2 का डबल करो 4, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4। बढ़ते आगे, सेम क्वेश्चन है गाइस, नाउ आई थिंक एवरीवन शुड आंसर। छोटा नंबर था 4, 4 का डबल किया 8 हो गया, इसलिए आंसर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, द सेम क्वेश्चन, लास्ट वन, सेम क्वेश्चन। देखो अभी भी लोगों ने गलती किया है गाइस। देखो आपको 4 स्क्वायर, आपको 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर जब दिया है, ठीक है, 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में पूछा छोटा वाला नंबर कौन सा है, क्या बोला आपको टेक्निक, छोटा वाला नंबर इज 3 ना, तो 3 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, इसलिए इसका आंसर है 6 भाई, इसलिए इसका आंसर है 6, छोटा वाला नंबर का डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत सागर ने पिछले 3 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट किया हुआ है, नीचे लिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, सेम रिपीटेशन हो रहा है, टोटल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, अब तो आई थिंक सबका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। अभी भी कुछ लोगों ने गलत किया है, छोटा वाला नंबर 10 है ना, 10 का डबल किया तो 20, इसलिए देखो यहाँ पे आंसर 20 है। 25 लोगों ने आंसर किया, 25 में से 22 लोगों ने सही आंसर किया। लास्ट क्वेश्चन, टोटल नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर, यहां पे ध्यान देना, यस सिद्धि, ओके अब देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन पिछले वालों से अलग था। 10 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 10 स्क्वायर का वैल्यू इज 100, ठीक है, 10 स्क्वायर का वैल्यू अपना 100 होता है। उसके बाद 20 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 20 स्क्वायर का वैल्यू इज 400। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्वेश्चन का आंसर गलत है।
कैसे गलत है थोड़ा समझो बात को। भले ये 299 मैक्सिमम लोगों ने मार्क किया है, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने 400 में से 100 माइनस किया और एक और माइनस कर दिया, 299 आ गया। बट एक्चुअली में क्या है कि अगर हम बात करें 100, 10 स्क्वायर इज 100 एंड 20 स्क्वायर इज 400, तो बीच के नंबर्स कौन से बने, बीच के नंबर्स बने 101 से लेके 399 तक, है ना। बीच के नंबर्स कितने बने, 101 से लेके 399 तक, ये कितने नंबर्स हैं, तो ये हमारे 299 नंबर्स हैं, ये हमारे 299 नंबर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स में स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर भी आएगा इसी के अंदर, है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो इसी के अंदर आएगा। 12 का स्क्वायर 144 इधर ही आएगा। 13 का स्क्वायर 169 इसके अंदर है। 14 का स्क्वायर 196 इसके अंदर है। 225 इसके अंदर है। 256 इसके अंदर है। 289 इसके अंदर है 17 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 भी इसके अंदर है। 19 का स्क्वायर 361 भी इसके अंदर है, राइट। तो ये कितने नंबर्स हो गए, ये और नौ नंबर्स को हमको माइनस करना पड़ेगा, ये नौ नंबर्स और माइनस करने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन अगर पूछता ना टोटल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर, अगर क्वेश्चन होता टोटल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर, तो वो एक्चुअली 101 से लेके 399 तक कितने नंबर्स हैं हमको वो गिन के बताने थे। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है, टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स, मतलब आपको 10 का स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में हमको नॉन स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 121, 144, 116 इन सब नंबर्स को भी हटाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो ये क्वेश्चन के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी रैंकिंग में, बट चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फाइव आउट ऑफ फाइव सही है सिद्धि का, बट ये क्वेश्चन गलत है। पूर्णिमा फाइव आउट ऑफ फाइव सही, ये गलत था। एंड आदित्य सेम फाइव आउट ऑफ फाइव सही है, गलत था। फोर्थ में नयन, फिफ्थ में नैतिक। ओके तो गाइस दिस इज इट फॉर द डे, आई मीन क्विज, क्लास खत्म नहीं हुई है। लेट्स गो टू आवर स्टडीज नाउ। ओके सो अब हम अपन अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बार मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूं। देखिए, अच्छा मैंने देखा अभी दो लोग निकल गए ना, दो लोग निकल गए, मतलब कहूत किया है डीएसएस के टाइम पे निकल गए। अब मैं क्या करूंगा अगली बार से, तो सबसे पहले कहूत एकदम लास्ट में होगा, और दूसरी चीज है कि आज मैं इस क्लास के बाद उनका अटेंडेंस रिपोर्ट भी निकालूंगा। सबको बता रहा हूँ, हमारे पास ये भी डिटेल रहता है कि कितना कि कोई स्टूडेंट कितने देर के लिए क्लास किया, और जो लोग अभी निकले हैं थर्सडे के पीटीएम में मैं ही बात करूंगा और मैं ही बताऊंगा कि ये लोग भागे थे। पीटीएम में आपके हम क्या बताने वाले हैं, यही सब चीजें बताएंगे, आपने कितना दिन क्लासेस मिस किया है, आपने कितना दिन होमवर्क टाइम पे सबमिट किया है, आपका क्लासेस में एवरेज ड्यूरेशन कितना था, कितने देर आप क्लास में रहे हो, सारी चीजों पर बात होगी। चलिए तो मैंने अवंती ये एनसीईआरटी से दिया था आपको एक्सरसाइज 6.3, है ना, एनसीईआरटी से दिया था एक्सरसाइज 6.3। बताओ कहां पे प्रॉब्लम हुआ है।
एनसीईआरटी एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी ठीक है ओके चैट में पहले लिख दो उसके बाद में क्वेश्चंस पे जाऊंगा चैट में एक बार लिखो एनसीईआरटी में आपको कहां प्रॉब्लम है शुभम पायल उत्कर्ष नयन ने तो बता दिए आदित्य कुमार यादव अनम्यूट करना तो एक बार थोड़ा कहां गया ये अनम्यूट करना तो यस सर क्या हो क्या डाले हो डाउट्स में सर 4, 5 and 6 फोर फाइव सिक्स में कितने क्वेश्चन थे सर बनाया है सर जो सर थोड़ा थोड़ा डाउट से सर वो नहीं बना पाए हैं जैसे सर किसी कहीं कहीं पे वो प्राइम फ्रैक्शन मेथड का सर थोड़ा सा गलती हो जा रहा वही सर पूछ रहे थे वो तो आपसे सिली मिस्टेक हो रहा होगा बट आपने चैट में 4, 5, 6 जैसे लिखा है यू हैव टू बी क्लियर 4 में एग्जैक्टली कौन सा 5 में एग्जैक्टली कौन सा नहीं तो अभी मैं आपका होमवर्क आपने क्या सबमिट किया वो खोल के मैं देखना शुरू कर दूंगा सर वो सर गलती से डला गया सर आई वाज लाइक 4, 5, 6 इज द मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छा आपने होमवर्क जो सबमिट किया है उसमें इसके कितने क्वेश्चंस किए ये बताना तो एक बार इसके कितने क्वेश्चन किए चैट में बताओ अभी आपका होमवर्क खोल के देखा जाएगा चैट में बताइए 4 का एग्जैक्टली आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि वो तो होमवर्क सबमिट हो चुका है हरी अप ठीक है अमृत आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ क्या हो गया आदित्य कुमार यादव अनम्यूट योरसेल्फ सर सर बताओ 4 में आपने एग्जैक्टली कौन से सबमिट किए होमवर्क में सर 4, 5, 6 में सर एक भी सब सर सबमिट नहीं किया था क्योंकि सर कल मैं क्लास नहीं कर पाया था सर क्योंकि कल सर... अब आपने सबके सामने झूठ बोला है आपने सबके सामने झूठ बोला अभी 2 मिनट पहले आपने क्या बात की कुछ क्वेश्चंस आपने फिर होमवर्क सबमिशन के नाम पे धोखा दिया है झूठ बोला इधर आपने देखा कि उसके अंदर ज्यादा सब क्वेश्चन है आपने उसको छोड़ दिया है और आपने बाकी क्वेश्चन को किया है ये मैं आपकी मेंटेलिटी बता रहा हूँ This was your mentality. And trust me, इस PTM में ये मैं याद रखूंगा अभी हुआ ये incident, सबके सामने आपने झूठ बोला ये चीज 2 मिनट पहले आपने क्या बोला था अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो इस तरीके से तुम्हारे जैसे बेटों के लिए ना उनको पैसे नहीं करने चाहिए इस टाइम पे डोंट वरी पीटीएम में बताता हूँ आपकी बात में आपने थोड़ी देर पहले झूठ बोला था ठीक है अभी तो इधर से निकलो तुम रिमूव कर रहा हूं गाइस मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द डीएसएस बाय आस्किंग नॉन सीरियस क्वेश्चंस एंड सेकेंडली If you don't want to do the class, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता तुम क्लास करो मैं सिर्फ उसी को कहता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े जो नहीं पढ़ना चाहते वो मेरी क्लास ना करे And I really don't care who stays in my class and who doesn't. I only care for the ones who are doing the work properly, sincerely. ओके सो सिमिलरली अब जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है
पायल पायल एक बार अपना डाउट तो बताइए, क्या डाउट है आपका? सर ये सिक्स में डाउट है कि आपने बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लोग को चाहिए तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के, जिसका पेयर नहीं बनेगा उस दो नंबर से। टाइप के तो क्वेश्चन थे पायल, कल की क्लास अगर आपने अटेंड किया है, एक क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन का, अगला क्वेश्चन था डिवीजन का, दो अलग अलग क्वेश्चन थे। अगर आप इधर देखोगे एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा क्या मल्टीप्लाई करना है, यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिवाइड करना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन दोनों में बता देता हूँ, बट आपने चैट में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखने के मतलब उसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, ठीक सर कोई है। भी एक बता दीजिए सर। कोई भी एक बताने का मतलब है आपने भी इसमें धोखा किया है, आपने भी फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपने 5 सॉल्व किया था। चलो मेरे को बताओ 5 कैसे किए हो। लेट से मैं यहाँ पे 182 सर उठाता हूँ, यस सर, हाँ बताइए कैसे सॉल्व सर किए हो वन इसको। एट्टी का सर 180 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हाँ और सर उसके बाद जो लास्ट नंबर जिसका पेयर नहीं हम लोग का बन रहा था उससे 180 को मल्टीप्लाई कर दिया, रुको, और सर उसके मैं बाद 180 का से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बता देता हूँ। दिस विल बी थ्री ओके सर स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो यस जाएगा। सर, उसके बाद सर 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए जितनों लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम हो रहा है, 6 में क्या होता है गाइस, यहाँ पे हम 5 से क्यों मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बन पाते हैं। अगर आप लास्ट क्लास कर रखे हो तो आपको पता होगा कि पेयर नहीं बन पाया था, पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हम इसको यस एक 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक 5 आ जाएगा, तो ये एक पेयर बन जाएगा, और पूरा खेल होता है पेयर बनाने के लिए। तो दैट इज वाई द क्वेश्चन वॉज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 900, वो बन जाएगा 900। फिर आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, 900 का स्क्वायर रूट बताइए। आपने मल्टीप्लाई करके जो नया नंबर निकाला, उस नए नंबर का आपसे स्क्वायर पूछ रहा है, तो अब आप रूट पूछ रहा है, सॉरी। तो हम रूट निकालने का तरीका क्या था, हर एक पेयर से एक नंबर निकल कर आएगा। तो जैसे यहां देखिए 3 का पेयर था, 2 का पेयर था, 5 का पेयर था, सबके एक एक पेयर थे, तो वहां से एक एक वैल्यू निकल कर आती थी, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो फाइनली हो गया 10 थ्री जा 30, ये फाइनली हो गया 10 थ्री जा 30, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन वाला। अब आते हैं हम लोग डिविजन वाले पे, ठीक है। मान लो डिविजन में मैं उठा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 6 का 5 2800। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। 2800 को किससे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, और फिर आपसे उसका रूट भी पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टेक्निक क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर आपको याद होगा तो कल हमारी जो क्लास हुई थी रात को, हाँ, तो ये यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2800 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर हम यहाँ पे उठा ले, लेट से 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 2 बार 7 एक बार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे हम 2800 का, तो 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है 2 का पावर 4, मतलब कहने के लिए अभी मैं लिख दूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है, 2 बार 5 आया है, और 1 बार 7 आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 का एक पेयर बनाना है, यहाँ पे 2 का दूसरा पेयर बनाना है, यहाँ पे 5 का एक पेयर बनाना है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है पेयर कहाँ नहीं बन रहा, कहाँ नहीं बन रहा पेयर, 7 में वो पेयर नहीं बन रहा। तो 7 में पेयर नहीं बन रहा है, अगर सोचो कि 7 हटा दिया जाए इधर से, अगर इधर से 7 हटा दिया जाए तो क्या मेरा पेयर बन जाएगा, जो बचे हुए नंबर थे उनका पेयर बन रहा है, यस बन रहा है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता था तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे,
और सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन पूछता है किससे डिवाइड करोगे, तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए, पेयर फॉर सेवन इज नॉट पॉसिबल, है ना। यहाँ पे पेयर सात के लिए पेयर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही साथ प्रेजेंट है। देयरफॉर जब हम 2800 को सेवन से डिवाइड करेंगे, जब आप 2800 को सेवन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सात हट जाएगा, वो सात हट जाएगा। 2800 को सेवन से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 400, है ना, आपको मिलेगा 400, 400। तो 400 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 400 का फिर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या टेक्निक बताया हुआ है, हमारे ओरिजिनल पेयर्स क्या थे, एक यहां से 2 निकलेगा, एक यहां से 2 निकलेगा और एक यहां से 5 निकलेगा। तो 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो 400 का रूट कितना हुआ, 400 का रूट हुआ 20, 400 का रूट हुआ 20। और ऐसे भी आपको भी पता है 20 का स्क्वायर होता है 400। तो क्या सीखे हो यहाँ पे पायल, कि जैसे हम लोग डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में करते थे, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता था उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो नया नंबर आता था जो पुराने नंबर से बड़ा होता था और एक परफेक्ट स्क्वायर होता था। डिवीजन के केस में क्या होगा पायल, आप इस नंबर को उसी से डिवाइड करोगे जिसका पेयर नहीं बन रहा था। जैसे 7 का पेयर नहीं बन रहा था तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने से ये बन जाएगा 400। ऑब्वियस ही बात है जब आप डिवाइड कर रही हो तो नंबर छोटा हो गया, है ना, फिर उस नंबर का रूट निकाल लिए। नंबर का रूट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आप दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे। आप जो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे ना, जिसका पेयर नहीं बना था उसको छोड़कर बाकी पेयर्स में से एक एक वैल्यू उठा लीजिए, वहां से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। सो एम आई क्लियर, जितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में दिक्कत हो रही थी, क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6 में जिस जिनको दिक्कत हो रहा था, आर्यन, उज्ज्वल, शुभम, क्या ये लॉजिक समझ में आया है? ठीक है, एक और जल्दी से बस आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। लेट्स से वी हैव किसको पकड़े इस बार, लेट्स से वी पिक 252 ओनली, छोटा नंबर ही उठा लेते हैं। 252 को जब 2 से पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 126 आएगा, 2 से फिर करोगे 63 आएगा, 3 से करोगे 21 आएगा इधर, फिर 3 से करोगे तो 7 आएगा, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे 252 को देखें तो 252 क्या बन रहा है, 252 बन रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 7, राइट। सो अब अगर आप पेयर्स को देखोगे अगर तो एक पेयर इधर बन रहा है, एक पेयर इधर बन रहा है, तो क्या किसका पेयर नहीं बना, सात का पेयर नहीं बना, है ना, सात का पेयर नहीं बना। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आप बोलोगे कि उसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या आएगा मेरे पास नंबर, मेरे पास नंबर आएगा 1764, ठीक है। और जब इस 1764 का हम रूट निकालेंगे तो पहले से ऑलरेडी एक 2 का पेयर बना था, एक 3 का पेयर बना था और 7 अकेला था, लेकिन आपने उसको एक 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। तो 2 × 3 × 7, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42, तो इसीलिए इसका रूट क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा 42। अच्छा ये डिवीजन का है, सॉरी ये डिवीजन का क्वेश्चन है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहा था मैं। अच्छा गाइस देखो, ये यहाँ भी 252 दिया है, यहाँ भी 252 दिया है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में 1764 बन जाता, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होता, नीचे वाले क्वेश्चन में हमको डिवाइड करना है। तो 252 को हम 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, हमारे पास नंबर आएगा 36,
और 36 का रूट निकालना है। अब 36 का रूट निकालना, प्राइम फैक्टराइज करने की दोबारा जरूरत नहीं है, आप इसमें से एक पेयर उठाओगे, इसमें से एक पेयर उठाओगे। ये जो 7 अकेला था वो तो डिवाइड होने के बाद हट गया पूरा ना, इस बार डिवाइड होने के कारण वो हट गया पूरा। तो एक पेयर 2 से निकला, एक पेयर 3 से निकला, तो 2 3 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव 5 और 6 आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं 7 के ऊपर, लोगों को 7 में दिक्कत हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल, 2401 रुपए डोनेट किए हैं सारे स्टूडेंट्स ने मिलाकर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स ये एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन हो रहा है। आप अगर यहाँ पे मान लेते हो कि let the number of students be x, अगर हम यहाँ पे number of students को x मान लेते हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने स्टेटमेंट समझ रहे हो, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, अगर क्लास में 10 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 10-10 रुपए दिए, क्लास में अगर 20 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 20-20 रुपए दिए, क्लास में अगर 24 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 24-24 रुपए दिए। तो अगर हमने अज्यूम किया है लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना होगा, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना होगा, वो हो जाएगा एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे एक्स, हर बच्चे से कितना कंट्रीब्यूट हुआ, एक्स हुआ। अब आप ही सोचो गाइस, अगर आपके क्लास में 20 लोग थे, हर बच्चे ने 20-20 रुपए दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता, 20 × 20 होता, टोटल अमाउंट 20 × 20 होता। तो यहां पे भी अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था x, हर बच्चे से कंट्रीब्यूशन भी लिया गया x, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन, हरी अप। सबको ही बताओ, सबको ही दिव्यांग, इट विल बी x स्क्वायर ना, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग 3 लाइन होगा, जल्दी नोट करो क्वेश्चन के स्टार्टिंग का पहला 3 लाइन होगा ये। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है स्टूडेंट से। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया है, 2401 रुपए आया है। तो क्या बोल सकते हो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2401 है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 2401 है तो एक्स कितना होगा, फिर एक्स कितना होगा स्टूडेंट्स, एक्स होगा रूट अंडर 2400 ना, हमको 2401 का रूट निकालना पड़ेगा। 2401 का रूट निकालिएगा, आपको मिलेगा 49। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 49। इज दिस ओके? जितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत हुई थी गिव मी अ कंफर्मेशन। कौशिक, अनुपम, उत्कर्ष, नयन, आपको 7th में दिक्कत था, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। नीचे देखिए यहां पे 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो ये कह रहा है कि हर रो में उतने ही प्लांट लगाओगे जितने नंबर ऑफ रोज है। तो अभी वाला क्वेश्चन जैसा ही है, मतलब अगर आपने 10 रो, मान लो आपने अपने गार्डन में 5 रो लगाए हैं, तो हर रो में कितना प्लांट लगाओगे, 5-5 प्लांट लगाओगे। अगर आपके गार्डन में 7 रो है, तो हर रो में कितने प्लांट लगाओगे, 7-7 प्लांट लगाओगे। तो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज को एक्स मानना,
नंबर ऑफ रोज को एक्स मानना है तो प्लांट पर रो कितना हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 होगा। तो आपको अब यहाँ पे 2025 का रूट निकालना है। अब देखो 5 पेंड हो रहा है, ये 45 निकलेगा, 4 5 20, ठीक है। तो जितनों को 8 में दिक्कत था, 7 समझ में आ गया है, तो 8 समझने में दिक्कत नहीं हो रही कि बिकॉज डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो चैट में तो सबने यही क्वेश्चंस की बात की थी, 8 के बाद तो किसी ने कोई डाउट डाला नहीं है। क्वेश्चन अब मॉड्यूल, मॉड्यूल यस मॉड्यूल पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल से मैंने आपको 6.2 दिया था ना, दिस इज 6.2। चलिए बताइए मेरे को 6.2 में क्या प्रॉब्लम हुआ है। उत्कर्ष ने बोला है क्वेश्चन नंबर 8। उत्कर्ष ये कुछ अलग नहीं है, उत्कर्ष ये अपन ने ट्रिक्स में देखा हुआ है, कोई भी नंबर जब 5 पेंड होता है ना, जैसे कि 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है 625, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे इजीली कर लिया होगा कि सारे के एंड में क्या आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, सारे के एंड में 25 आ रहे हैं, ठीक है। फिर बचा क्या, तो यहाँ पे इस वन पे इस टू के कारण, इस वन के कारण इस टू पे कैसा चेंज आया, इस टू के कारण ये सिक्स कैसे आया, इस थ्री के कारण ये 12 कैसे आया, ये चीज यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए आप क्या करोगे, ये जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर है 2, उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कियो, 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कियो। ये यहाँ पे पहला नंबर क्या दिख रहा है, 3, 35 में पहला नंबर है 3, 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कियो। फिर नीचे में है 125, 125 में 5 को छोड़ दो, आगे पहले दोनों नंबर क्या है 12, 12 को उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि 125 ही था, 125 का स्क्वायर लिखना है ना, तो अब क्योंकि ये 5 पे एंड कर रहा है, क्योंकि ये 5 पे एंड कर रहा है, तो इसका स्क्वायर 25 पे एंड करेगा। बचा उसका आगे वाला, तो आगे वाले में जैसे यहां 12 लिखा हुआ है ना, तो आप यहां पे क्या करना, 12 इंटू 13 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना, 12 इंटू 13 का प्रोडक्ट होता है 156, तो ये बन जाएगा 15625। एक और एग्जाम्पल लेता हूं फिर आपको अनम्यूट करता हूं, 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ये भी 25 पे एंड करेगा। अब इसके आगे नंबर क्या है, इसके आगे नंबर है 10, है ना, इसके आगे नंबर है 10, तो 10 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 का अगला नंबर है 11, तो 10 इंटू 11 110 होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पहले 110 और उसके बाद लिखोगे 25, तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025। चलिए बताइए, अनम्यूट कीजिए। यस सर, वही बोलना था कि समझ में आ गया है। फिर ये 195 में 5 का वहां पे 25 हो जाएगा और 19 into 20, और फिर इसमें 1005 में 5 का वहां पे 25 एंड 100 into 101। एग्जैक्टली उत्कर्ष, वेरी गुड। ओके, और कोई दिक्कत स्टूडेंट्स मॉड्यूल में, मॉड्यूल में और कोई दिक्कत किसी को, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट द स्क्वायर्स विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स ये हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, आपको यहाँ पे टारगेट रखना होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करने का, जहां पे आप कोशिश करते हो कि एक नंबर 10 का मल्टीपल हो, जैसे कि 99 है, तो 99 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करोगे, तो हमने 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
तो कंपैरिजन करने से ए के जगह पे 100 आना चाहिए और बी के जगह पे 1 आना चाहिए। इन वैल्यूज को रेहान इसमें पुट कीजिएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 51 है, तो 51 को आप लिखोगे 50+1, आप इसको लिखोगे 50+1 का स्क्वायर, 10 के मल्टीपल पे ले जाओ, ये ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 1001, अमृत इतना मुंह खोल रहे हो, सबने देख लिया, बनियान में बैठ के मुंह खोल के कर रहा है। 1000+1 का होल स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री पायल, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि आप क्या करो, a+1 into a-1 a² - 1 होता है, तो 59 जो है वो कह रहा है कि 59 का स्क्वायर कैलकुलेट करो इसके हेल्प से, ठीक है। a+1 into a-1 = a² - 1 ये दिया हुआ है। आप क्या करो कि पहले तो -1 को हम लेफ्ट में ले आते हैं, -1 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a+1 into a-1, और -1 को लेफ्ट पे ले आओगे तो +1 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू a² हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको 59 स्क्वायर पूछा हुआ है, तो आप अगर इसको कंपेयर करती हो पायल, तो यहाँ पे a के जगह पे 59 आ गया ना, और अगर a के जगह पे 59 आ गया तो आप इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी a की जगह 59 पुट करते हो, तो 59+1 = 60 हो जाएगा, 59-1 = 58 हो जाएगा, प्लस 1 कर देना, है ना। तो आपको क्वेश्चन बस इतना ही कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दिस फॉर्म, क्वेश्चन कह रहा है खाली एक्सप्रेस करना है। पायल इज दिस क्लियर, बाकी सारे जगहों पे भी यही करना है, a की जगह पे 99 रखना है, अगले वाले में एक के जगह पे 26 रखना है, ठीक है। गाइज ये चीजें को आप पीडीएफ नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता है स्क्रीन पे जो चीज लिखता हूँ ये बुक के ऊपर वो सेफ नहीं होते हैं, तो आप ये रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव एग्जाम्पल इफ फॉल्स, इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers the perfect square of a number, the answer is yes। नयन पढ़ाई वगैरह बंद कर दिया हो क्या? NCERT में हमने property देखा हुआ था कि हम odd squares के लिए odd square numbers जो है, ठीक है, उसको हम दो consecutive numbers के sum के form में लिख सकते हैं, जैसे कि 9 ही हो गया, 9 is 3 square ना, it's a perfect square, और 9 को आप 4+5 लिख सकते हो, 4 and 5 both are consecutive natural numbers, ठीक है। Yes रेहान बोलो, इसे ऐसे बुक के आंसर में तो फॉल्स लिखा हुआ है। अच्छा, बुक के आंसर में फॉल्स क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन देखो, ये जो टेक्निक होती है रेहान, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, याद कीजिए, n² - 1 / 2, n² + 1 / 2, तो इसका कंडीशन होता है कि n square को odd रहना चाहिए, मतलब ये सिर्फ odd perfect squares के लिए applicable है। जब मैं ये concept I think second class में पढ़ा रहा था, तो किसी ने पूछा भी था कि सर ये even squares पे applicable होगा क्या, तब मैंने बताया था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये even हो जाता है, even में से 1 घटाओगे तो odd हो गया, और odd को 2 से divide किए तो decimal में आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा था इज द सम ऑफ एनी टू, क्योंकि ये एनी टू कह रहा है तो ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर की भी बात कर रहा है और इवन परफेक्ट स्क्वायर की भी बात कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर होगा नो। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑड परफेक्ट स्क्वायर लिखा होता तो हमारा आंसर होता यस। यस है नहीं, बताओ सर, एनी टू में तो एक इवन और एक ऑड भी तो हो सकता है, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स में, पॉजिटिव नंबर्स में। जब भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे ना, एक इवन होगा तो अगला ऑड ही होगा, कभी भी। मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, मैं कह रहा हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर, एनी ऑड परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये कह रहा हूं मैं. लेट मी टेक यू टू एनसीईआरटी. ये रहा. ये रहा. A sum of consecutive natural numbers. यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है. Wow, we can express the square of any odd number as the sum of two consecutive positive integers. But ये सिर्फ और सिर्फ odd numbers के लिए applicable. Yes, odd numbers. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ odd numbers के लिए applicable है. और आपके मॉड्यूल में यहाँ पे लिखा हुआ है, is the sum of any two consecutive positive numbers a perfect square? State whether the given statement is true or false. Give example if false. तो आप इधर क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक इवन नंबर उठा लो. लेट से 4 स्क्वायर उठा लो. ठीक है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि 4 स्क्वायर को हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, थैंक यू सर. वेलकम. ओके, इसके अलावा और कोई डाउट मॉड्यूल से स्टूडेंट्स? और कोई डाउट? एम आई क्लियर? होमवर्क? कोई होमवर्क नहीं, सिद्धे नो होमवर्क. बैक टू बैक होमवर्क मिला ना, तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा होमवर्क रहेगा. आज तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो एक्चुअली में आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ओनली मॉड्यूल. मॉड्यूल का मैं दिखा देता हूं कौन सा. 6.3 फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स में हम लोगों ने कल की क्लास में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखा था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, हमने अभी तक डिवीजन मेथड नहीं देखा हुआ है. तो मैं एक बार मॉड्यूल में देख लूंगा कि डिवीजन मेथड के ऊपर कौन से क्वेश्चन है. उन क्वेश्चन को छोड़कर आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे, बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा का होमवर्क नहीं होगा. और अब हमारी क्लास भी नेक्स्ट मंडे को होगी, बिकॉज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो आपके पीटीएम्स रहेंगे. रेहान आप एग्जाम्पल में लिख दो ना, 4 स्क्वायर जो है, 4 रेहान जब आप उसको लिख ही नहीं सकते, जब आप 4 स्क्वायर को कोई दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो एग्जाम्पल नहीं दिखा पाओगे ना. आप क्या करना, इवन वाला उठा लेना, 9 स्क्वायर उठा लेना. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4+5. 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4+5, बट 4 स्क्वायर को, सॉरी, 9 इज इक्वल टू 4+5, बट 4 को हम किसी भी दो नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते. आपको अगर एग्जांपल दिखाना है, ऐसा कर सकते हो, एक इंटीजर को ए मान लो, जिनको एग्जांपल चाहिए ऐसे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी ए. पहला इंटीजर को ए मानिए, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, सेकेंड इंटीजर विल बी ए प्लस 1. ठीक है, तो कहने के लिए हम a और a प्लस 1 का सम किसका बराबर दिखाना चाहते हैं, 4 के बराबर. तो a प्लस 1 जो है, इसको हम 4 के बराबर दिखाना चाहते हैं. तो 2a प्लस 1 बराबर 4 हो गया. 1 को आप राइट में भेजोगे तो 3 हो जाएगा, तो वहां से a बराबर 3/2 आएगा. 3/2 आपका 1.5 हो गया. 1.5 एक इंटीजर नहीं है, 1.5 एक इंटीजर नहीं है. डेडलाइन बता दूंगा, टेंशन मत लो. अमृत, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं तो रहूंगा ही, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं तो रहूंगा ही और आपकी तारीफ भी करूंगा ही. उत्कर्ष, एक्चुअली मेरी एक और क्लास है अभी, मैं पक्का कर देता. अभी देखो हमने 10 मिनट तो एक्सटेंड कर ही दिया, इट्स 1:25. मेरी एक और क्लास है अभी, और मैं सुबह 8 बजे से बैक टू बैक क्लास ले ही रहा हूँ, ये इसके बाद मेरी एक और क्लास है, इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा. वरना मैं एक्सटेंड करके, इनफैक्ट अगर आप देखोगे, मैंने आप लोगों के कहूत के कारण नहीं करवाया, नहीं तो ये देखो मैंने उसकी पीपीटी भी तैयार कर रखी थी. ये देखो, डिवीजन मेथड, एग्जांपल, ये मैंने रेडी करके भी रखा था, बट अब टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
वी कैन ऑलवेज मैनेज इट इन द नेक्स्ट वीक. ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर. रिकॉर्डिंग में लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, ठीक है.